छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के सुदूर गांव धनोरा के सीमावर्ती इलाकों में सर्चिंग अभियान पर निकले कोंडागांव डीआरजी और पुलिस के जवानों को देखकर नक्सली भाग गए। बता दें कि जवानों ने मौके से बड़ी संख्या में नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामान के डंप बरामद किए हैं। वहीं इसी के साथ ही जवानों ने कई टिफिन बम भी बरामद किए गए। वहीं कोंडागांव एसपी वाई अक्षय कुमार ने बताया कि जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी और थाना स्टाफ की टीम बनाकर सर्चिंग अभियान के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान जवानों ने जंगलों में दैनिक उपयोगी सामान और टिफिन बम बरामद किए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में अभी भी नक्सली सक्रिय है। साथ ही जिस तरह से बड़े बड़े टिफिन बम बरामद हुए हैं, उससे यह भी संभावना है कि नक्सली जल्द ही अपने इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। तो फिर हमारा इरागांव थाना स्टाफ लेड बाय एसडीओपी फरसगांव अनिल, कोऑर्डिनेटिंग विद एसडीओपी केशकर, हमारा डीआरजी टीम इरागांव में जो प्रेजेंट थी, वो सभी मिलके ऑप्स पे निकले थे। तो फिर जैसे हम ऑप्स में निकले थे, पूरा एरिया को हम सर्च कर रहे थे, तो तब तक हमको सूचना ये मिली थी कि वहाँ से नक्सली लोग निकल गए हैं, और पूरा वो जो जिपकसा वाला पहाड़ को हम घेर के पूरा जब हम सर्च करने शुरू किए थे, तो फिर हमको एक अच्छा सफलता ये मिला है कि पूरा एक डंप मिल गया नक्सली लोगों का। तो फिर आप अभी आप देखे होंगे विजुअल्स में कि प्रेशर कुकर्स मिले थे, अमोनियम नाइट्रेट मिले थे, कुछ शेल्स मिले थे, बैटरीज मिले थे, पीर बॉम्ब मिले थे, और ये टाइगर बॉम्ब भी मिले थे, और कुछ इनका लिटरेचर भी मिला था, कुछ उनका पर्चा वर्चा मिला था। तो फिर कुल मिला के बहुत अच्छा सफलता है कोंडागांव पुलिस के लिए। इसके लिए मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ हमारा एसडीओपी फरसगांव अनिल और इरागांव थाना प्रभारी, हमारा डीआरजी जितने भी स्टाफ है, सब लोग अच्छा मेहनत किए हैं।